अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हो, खुश होंगे, मज़े में होंगे। सो वी आर बैक विद अनदर कुकिंग वीडियो। सो आज मैं बनाने का सोच रही थी चिकन कोफ्ता, क्योंकि देर वॉज नो मटन अवेलेबल, नो बीफ अवेलेबल, नो घी अवेलेबल, तो कोफ्ते ही थे जो अवेलेबल थे। सो मैंने कहा चलो हम ये बना लेते हैं, बहुत ईजी सा क्विक सा मसाला हम करी बनाएंगे। तो चलिए जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम एक पॉट लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे और ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे, एंड देन हम उसमें ना अपने जो है कोफ्ते डालेंगे, जितने भी आपको चाहिए। मैंने 10 जो है वो उसमें डालिए थे। और हम इसको जो है कोफ्ते को फ्राई करेंगे, एज इन इसको बार बार मिक्स करेंगे, सौते कर लेंगे, ताकि ये जो है बाहर से इसका कलर चेंज हो जाए, कुक हो जाए। अब आप देख सकते हैं, ये देखें, ये मिड लेवल पे आ चुका है। मैंने 5-10 मिनट के लिए इसको भून लिया था ऑयल में, लेकिन आपने और भी भूनना है इसको, ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखें, फाइनली हम जब इसको फ्राई कर लेंगे, तो इस टाइम पे आपने इसको निकाल लेना है। एक प्लेट में आप निकाल लीजिएगा, और इसी ऑयल में जो है मैंने प्याज चॉप करके डाल लिए थे, और वही ऑयल था जितना मैंने पहले डाला था। सो यहाँ पे हम जो प्याज हैं उसको गोल्डन ब्राउन करने देंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने उसी ऑयल में जो है सब कुछ जो है अपने प्याज चॉप करके डाली थी। ये सब मसाले हम डालेंगे, नमक, लाल मिर्च का पाउडर, सालन मसाला और धनिया पाउडर, ये हम डालेंगे। 4 मसाले हैं, 4 इंग्रेडिएंट्स हैं, बस हमने यही मसाले डालने हैं, और इससे बहुत ही खूबसूरत टेस्ट आपका आ जाएगा। सो ये मैंने इन मसालों को अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं यहाँ पर टमाटर, ग्रीन चिलीज़, जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना के इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। तो इसको मैं इतना मिक्स करूँगी और इतना पकाऊँगी, ताकि जो है इसका जो टमाटर है उनका ऑयल रिलीज़ हो जाए, ठीक है। इस मसाले को अब हमने सही से कुक करना है, अगर हम इसको कुक नहीं करेंगे फिर कच्चा सा टेस्ट आएगा। इसी वक्त मैं इसमें आलू भी डालूँगी और थोड़ा सा पानी डालूँगी, तो साथ ही साथ हमारे आलू भी कुक होंगे और जो हमारे टमाटर हैं वो भी अपना ऑयल रिलीज़ कर लेंगे। ये देखें, जो आलू है हमारे पक चुके थे ऑलमोस्ट, और ऑयल भी रिलीज़ हो चुका है। ये देखें, ये फाइनल लुक। और इस वक्त हम इसमें थोड़ा सा जो अपने कोफ्ते हैं वो डाल लेंगे, और थोड़ा सा पानी आप अपने मुताबिक कर लीजिए, जितना आपको करी पसंद है उतना ही आपने पानी डाल लेना है, और 2-3 बॉयल दे लेके आपने इसको चूल्हे को बंद कर देना है। तो ये फाइनल लुक है, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला था बाद में, और इस वक्त आप इसमें जो है धनिया और जिंजर गार्लिक थोड़ा सा और काट के इसको फाइनली बंद कर सकते हैं अपने चूल्हा। सो ये रही हमारी रेसिपी आज की। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।